नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा नगर में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में प्रदर्शन एवं राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान खिलचीपुर विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों एवं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को यूरिया खाद्य के वितरण को लेकर विरोध प्रकट किया गया। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जब कोरोना से लड़ना था तब विधायकों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए थे, और हमारी कमलनाथ सरकार जब प्रदेश के हितों की सोच रही थी तब भाजपा के लोग अपनी सरकार बनाने में लगे हुए थे, जिन्होंने जनमत की बनी हुई सरकार को सूटकेस से हरा दिया। ये कैसा जनमत है? सिंह ने किसानों के कर्ज, खाद्य, पेट्रोल, डीजल, बैंकों के घोटालों पर भी प्रहार किया। साथ ही कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों में जिस प्रकार घपला चल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश के मंत्री बताए कि किसानों का खाद्य कहा गया, उपचुनाव में प्रदेश की जनता इनको सबक सिखा देगी कि इन्होंने उनके वोट को क्यों बेच दिया। वीडियो व्हाट्सएप कर देना, वीडियो व्हाट्सएप कर देना। कहाँ है खाद आज एलएसएस के? मेरे पास अभी परमिट लेके लोग घूम रहे थे, अभी यहीं बैठे होंगे कई लोग जिनके हाथ में एक लड़का तो मैं भाषण देने उठ रहा था तभी मेरे पास खड़ा था। कहाँ है खाद? जवाब दे शिवराज सिंह चौहान, जवाब दे कमल पटेल, कहाँ है खाद? कहाँ पे खाद है? क्या छापेड़ा सोसाइटी में खाद वितरण हो रहा है? क्या कुआखेड़ा सोसाइटी में खाद वितरण हो रहा है? क्या नाटाराम सोसाइटी में खाद वितरण हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है खाद वितरण? क्या मोहन सोसाइटी में खाद वितरण हो रहा है? कहाँ गया खाद मध्य प्रदेश का? ये साल है भाजपा के राज का, पिछला साल देख लो मैंने 1.5 गुना ज्यादा खाद यहाँ पर बंटवाया। मैं मंत्री था शासन का, मैंने सुनिश्चित किया कि किसानों का कोई ओवर ड्यू, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई ये नहीं पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा। ऋण अकाउंट, एक अकाउंट सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से पैसा इधर उधर कर देते हैं और ऋण अकाउंट में से पैसा डालते नहीं है ताकि वो ऋण को दिखता रहे, और उनसे कह देते हैं तुम्हारा कर्जा माफ नहीं हुआ, तुम और नहीं हुआ। क्या गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पर? कोऑपरेटिव बैंक की ये जो गोरख धंधा है, जो कोऑपरेटिव बैंक का ये भ्रष्टाचार है, जो चोरी चकारी कोऑपरेटिव बैंक के चंद लोगों ने बैठ के बैंक के अंदर इसको लूट का अड्डा बना रखा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज ही नहीं उठाएंगे, विधानसभा की टेबले भी बजाएंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीने हुए, हम सब लोगों को इन 3 महीनों में ये एहसास हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कैसी चलाई और आज वापस वही मामा की सरकार। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।